दोस्तों आप ZTV का मोस्ट पॉपुलर सीरियल बन्नी जाओ होम डिलीवरी तो देख ही रहे होंगे, जिसमें अभिनेता प्रविष्ट मिश्रा नजर आ रहे हैं, जो अपनी एक्टिंग को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतार रहे हैं। तो वहीं सीरियल में एक और अभिनेता की एंट्री हुई है। जी हाँ, हाल ही में बन्नी जाओ होम डिलीवरी में अभिनेता अर्जित तनेजा की एंट्री देखने को मिली है, जो सीरियल में अगस्त्य का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब दोनों ही अभिनेता अपने किरदार से दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीरियल में नजर आ रहे इन दोनों अभिनेताओं में उम्र का बेहद फासला है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीरियल में नजर आ रहे दोनों अभिनेताओं के एज गैप से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ZTV के सीरियल बनी जाओ होम डिलीवरी में हाल ही में हमें अभिनेता अर्जित तनेजा की एंट्री देखने को मिली है, जो सीरियल में अगस्त्य के नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका ये किरदार दर्शकों को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रविष्ट मिश्रा कहीं पीछे हैं, बल्कि प्रविष्ट मिश्रा और अर्जित तनेजा दोनों एक दूसरे को कड़ाके की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पर इन दोनों ही अभिनेताओं में उम्र का इतना फासला है कि इनका ये फासला कभी भी इनके कैरेक्टर पर नजर ही नहीं आया, जहां दोनों ही अभिनेता अपनी एक्टिंग को बखूबी निभा रहे हैं। और अगर बात करें इन दोनों के एज गैप के बारे में, तो आपको बता दें, जहां प्रविष्ट मिश्रा का जन्म 5 सितंबर 1998 को हुआ था, जिसके चलते आज इनकी उम्र 24 साल हो चुकी है, तो वहीं सीरियल में अगस्त्य का किरदार निभाने वाले अभिनेता अर्जित तनेजा का जन्म 10 नवंबर 1992 को हुआ था, जिसके चलते आज इनकी उम्र 29 साल है। और इनकी इसी बर्थ डेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में 5 साल का एज गैप है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही अभिनेता अपनी उम्र को जरा भी शो नहीं होने देते, क्योंकि दोनों में ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वेल दोस्तों, आप इन दोनों अभिनेताओं के इस एज गैप के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।